इस क्वेश्चन को दोबारा से करते हैं। देखिए, कक्षा के सभी छात्राओं का वजन, कक्षा के सभी छात्राओं का वजन, कक्षा के सभी छात्राओं का वजन 15 छात्राओं का औसत वजन कितना है? कितना हो गया 15 छात्राओं का? है 15 छात्राओं का औसत वजन 18 किलोग्राम है, तो कुल वजन आ जाएगा 18 × 15, यानी कि 18 × 15 की मल्टीप्लाई की तो हमारा आ गया 270, यानी 270 किलोग्राम हो गया। उसके बाद की अगर 10 छात्राओं का औसत वजन कितना है? 12 आ गया, 12 किलोग्राम आ गया। और उसके बाद में 10 छात्राओं का कुल वजन कितना आ गया? 120 आ गया, आ गया ना 120। फिर देखो, ध्यान से देखो, कुल छात्र यानी 10 और 15 है, हमने टोटल किया, कितना किया टोटल? 25 आ गया। सभी छात्राओं का कुल वजन देखो 270 उसका है, उसके बाद में 10 छात्राओं का वजन आया 120 आ गया ना, 120 आने पर टोटल कितना हो गया? 390। अब इसकी एवरेज निकालेंगे, कक्षा के सभी छात्राओं का औसत वजन कितना आ गया? 390 को अगर हम डिवाइड करें 25 से तो कितना आता है? डिवाइड करने कितना आया? 15.6 किलोग्राम के लिए। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक ये है, देख लीजिए शॉर्टकट ट्रिक ये, 15 और 18 की मल्टीप्लाई करने पर सीधा 10 × 10 × 12 का गुणा करने पर 15 सीधा, ये शॉर्टकट ट्रिक 390 यही करना है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमेशा कंपटीशन के अंदर, और लगभग ऑलमोस्टली आते हैं।